राज्यपाल और राज्य की सरकार के बीच तकरार की खबरें आपने अक्सर सुनी ही होगी। राज्य में राज्यपाल की भूमिका पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। इन सबके बीच एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। मामला इतना बढ़ गया था कि एक नेता ने राज्यपाल को थप्पड़ तक जड़ दिया था। पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज में आज हम उसी कहानी की बात करेंगे और वो कहानी है हरियाणा के दिग्गज नेता देवीलाल और हरियाणा के उस समय के राज्यपाल रहे गणपत राव देवजी तपासे की। हरियाणा के दिग्गज नेता देवीलाल और गणपत राव देवजी तपासे की कहानी शुरू होती है 1982 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव से। 90 सीटों वाली विधानसभा में उस समय कांग्रेस ने सबसे अधिक 36 सीटें जीती थी, वहीं भारतीय राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन ने मिलकर 37 सीटें जीती थी। किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। अब मामला राज्यपाल के पास चला गया था। जाहिर सी बात थी कि तत्कालीन राज्यपाल गणपत राव देवजी तपासे बीजेपी और INLD गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाते। राज्यपाल ने पहले देवीलाल को 22 मई 1982 को सरकार बनाने के लिए बुलाया। देवीलाल इससे पहले कुछ कर पाते या निर्दलीय विधायकों से बात कर पाते। इस बीच कांग्रेस के भजनलाल ने निर्दलियों को अपने पाले में लेकर सरकार बनाने का दावा पेश किया और उनके नेता भी घोषित किए गए। उनके पास बहुमत के लिए जरूरी 52 विधायकों का समर्थन भी था। तपासे ने तुरंत भजनलाल को बुलाया और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी दिला दी। देवीलाल इससे बहुत नाराज हो गए। वो अपने और बीजेपी विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे। उनमें और राज्यपाल के बीच विवाद होने लगा। ये विवाद इतना बढ़ा कि ताऊ देवीलाल राज्यपाल की ठुड्डी पकड़कर उनसे बात करने लगे। इस दौरान ताऊ देवीलाल इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने राज्यपाल तपासे को थप्पड़ जड़ दिया, जिसे देख वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। राज्यपाल के गार्ड्स ने तुरंत उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला, वरना हालात और भी खराब हो सकते थे। तपासे तो वहां से चले गए, लेकिन इस थप्पड़ की गूंज भारतीय राजनीति में काफी समय तक रही। तपासे पुराने नेता थे, महाराष्ट्र में लंबे समय तक राजनीति कर चुके थे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि ताऊ से कहा सुनी यहां तक पहुंच जाएगी। हालांकि इस मामले में आगे किसी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने भर से देवीलाल इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने राज्यपाल को थप्पड़ जड़ दिया, या वजह कुछ और ही थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय भजनलाल ने देवीलाल के कई विधायकों को अपने पाले में कर लिया था, इसलिए राज्यपाल के कदम पर देवीलाल खासा नाराज हुए थे। देवीलाल अपने कुछ विधायकों को लेकर दिल्ली के एक होटल में चले गए। हालांकि फिर भी विधायक वहां से निकलने में कामयाब रहे और भजनलाल सरकार बनाने में कामयाब रहे और देवीलाल देखते रह गए। तो ये थी कहानी हरियाणा के राज्यपाल रहे गणपत राव देवजी तपासे और देवीलाल के बीच तकरार की। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और इसी तरह की मजेदार और रोचक जानकारियों के लिए वन इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।